अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिया टीवी। तो चैनल पर पहली मरतबा आए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हैं स्पेशली तौर पर ये वीडियो उनके लिए, तो आप अगर इस यूट्यूब से इस वीडियो को देख रहे हैं या किसी और जरिए से देख रहे हैं, आप लोग मुझे नहीं जानते, ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, मेम्बर्स का बहुत अरसा से एक सवाल था कि आप कैसे एडमिन से रब्ता करते हैं, आप कैसे हमारे अकाउंट के सिक्योरिटी चेंज कर देते हैं, आप कैसे हमारे विड्रॉ अकाउंट चेंज करते हैं, कैसे पासवर्ड रीसेट करते हैं, कैसे रिचार्ज अप्रूव करते हैं, सब कुछ आप कर सकते हो, हमें वो रिप्लाई नहीं देते, आप लोगों को रिप्लाई देते हैं, आखिर आप हो कौन? यहाँ तक कि आप लोगों ने इतना तक इल्ज़ाम लगाया आपके जी के अपने बंदे हो, आप हमारा पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहते हो। जब से ये अपडेट आई है उसके बाद तो आप लोगों के सवालों के ऐसे भरमार शुरू हुई, बारिश शुरू हुई है मुझ पर कि जैसे मैंने ये के जी ऐप मेरी अपनी हो और मैंने आप लोगों को कहा हो कि यार इसमें ऐप में पैसा इन्वेस्ट करो। जब से नई अपडेट आई है एक्टिवेशन अकाउंट वाली, तो आप लोगों ने तो बहुत मुझे जो है ना पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ है कि मैं आप लोगों को क्यों बार बार कह रहा हूँ। मेरा काम था आपको मोटिवेशन देना कि आप लोग जिन्होंने अकाउंट एक्टिव कर लिए हैं उनको स्पेशली तौर पर, मैंने अपने तमाम वीडियोज़ में जब से अपडेट आई है किसी को फोर्स नहीं किया कि आप इस अकाउंट को एक्टिव करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी का अगर अल्लाह ना करे ऐप भाग जाए तो आप लोग जो है ना किसी को परेशानी हो मेरी वजह से। तो ना ही मैंने आप लोगों को फोर्स किया, सिर्फ जिन लोगों ने कर लिया था उनको एक उम्मीद देना, उनको एक हौसला देना मेरी जिम्मेदारी थी। जितने भी लोग आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, सबसे पहले ये बात याद रखो मेरे पास तीन ग्रुप हैं, तीन ग्रुप में अगर 1000 बंदा है मेरे पास उससे प्लस बंदा है, और मेरी केजी की टीम में सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे या 4 बंदे होंगे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे। मैंने ना इस केजी के ऊपर रेफरल के लिए टीम बनाई, ना आप लोगों को इसे किसी को कहा। सबसे पहले मैं आपको अपना ये अकाउंट का प्रूफ देता हूँ कि मेरी टीम में कितने मेंबर्स काम करते हैं, आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि वहाँ पर मेरे साथ जो काम करते हैं उन लोगों से रिचार्ज कितनों ने किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास है टोटल अमाउंट ऑफ फर्स्ट टाइम रिचार्ज 16 बंदे, और 16 बंदों में से एक VIP जो मेरे अपने रेफरल्स हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर गिना के दिखाता हूँ, एक ये हो गया, दूसरा VIP 3 दो हो गए, दो बंदे ये हो गए, आगे करता हूँ मैं, ये VIP 2 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये वाला 6, ये 7, तो आगे देखते हैं ये 8, ये 9, और एक आध शायद कोई और हो, देख लेते हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे रेफरेंस जो बंदे इस KG पे आए थे वो 9 थे, इन 9 में से 4 मेरे जानने वाले रिश्तेदार हैं, मेरे कज़न हैं, बाकी 5 बंदे यूट्यूब से आए होंगे। यहाँ पर पहले बात ये क्लियर कर दूँ, ना मैंने रेफरल के लिए KG पर अकाउंट बनाया था, ना ही मुझे आप लोगों को किसी को कहा। जिन लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइंस मेरे क्या मैं बताता था, उनके काम करता था, वो सिर्फ इसलिए कि उनकी हेल्प के लिए। अब मैंने उनकी हेल्प क्यों शुरू की, मैंने KG कब ज्वाइन की, इसके मजीद प्रूफ भी आपको देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने मेन वाले ऑप्शन पर जाता हूँ, आप लोगों को अपना यहाँ पर दिखाने वाला हूँ रिचार्ज रिकॉर्ड। रिचार्ज रिकॉर्ड पर जब मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं नीचे चला जाता हूँ, देख सकते हैं आप, ये मैंने 8वां महीना जुलाई 30 तारीख को फर्स्ट टाइम यहाँ पर किया था रिचार्ज किया था, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आप देख लें कौन सा महीना चल रहा है, 10वां महीना चल रहा है, और क्या तारीख चल रही है, 2 तारीख चल रही है, यानी मुझे इस ऐप पर हुए हैं 1 महीना 1 दिन या 2 दिन। अब मेरा रिचार्ज पास कब हुआ था आपको वो चीज़ भी दिखा देता हूँ, मेरा रिचार्ज पास हुआ था, सॉरी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये 6 तारीख को मेरा रिचार्ज हुआ था पास, मैंने ये आपके सामने रिचार्ज किया 30 तारीख को, और मेरा रिचार्ज जो जाकर फर्स्ट टाइम पास हुआ था वो हुआ था 6 तारीख को। यहाँ पर देख सकते हैं 6 तारीख को मेरा फर्स्ट टाइम ये रिचार्ज पास हुआ, यानी अब समझ लें कि मुझे 6 तारीख को अगर मेरा रिचार्ज पास हुआ उसके बाद से मैंने KG को ज्वाइन किया, ठीक है। जो पिछले दिन है वो तो सारे जाया गए, क्योंकि मेरा रिचार्ज भी आप लोगों की तरह पास नहीं हो रहा था, ना ही मुझे समझ आती थी कि पास कैसे होता है। अगर मैं KG का बंदा होता तो मेरा ये रिचार्ज रिकॉर्ड फेल ना होता, सबसे पहली बात है ये पास होता। उसके ऊपर जो रिचार्ज का रिकॉर्ड है, ये मैंने 3500 किया 12 तारीख को, फिर ये जाकर पास हुआ, उसके बाद जो है ना ये सारे मेरे रिचार्ज रिकॉर्ड हैं पास होते, इतने ज़्यादा मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की। यानी 30 तारीख को मैंने इस पर अकाउंट बना के रिचार्ज किया, 5 तारीख को ये जाकर 6 तारीख को पास हुआ। अब ये पास कैसे हुआ था, अगर मैं KG का बंदा होता या मैं नुमाइंदा होता तो ये फर्स्ट टाइम पास जाता। अब मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्ड दे देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप है, यहाँ पर देख सकते हैं 6 सितंबर 2022 फर्स्ट टाइम मैंने इस एडमिन का, मुझे जहाँ से नंबर मिला मैंने इसको ये मैसेज किया था, स्क्रीनशॉट भेजे थे अपने, और फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था इनको क्या कहना है क्या नहीं कहना, मुझे कहीं से बस ये नंबर मिला, मैंने इनको ये भेजा और बोला सर रिचार्ज डन बट अपलोड फेल्ड प्लीज़ अप्रूव। उसके बाद ये मैंने सेंड किया और उन्होंने ये मुझे फर्स्ट टाइम मैसेज किया था कि अपना नंबर दें, यहाँ पर मैंने अपना नंबर दिया, उन्होंने कहा कि वेट अ मिनट, उसके बाद यहाँ से जनाब मन ये मेरा हो गया था पास। अब बात यहाँ पर ये होती है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम KG ज्वाइन की थी, देख सकते हैं कि कितने दिन मुझे मुश्किलात का सामना हुआ, मैं एक यूट्यूबर जो यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता हूँ इन्हीं चीज़ों में लगा रहता हूँ, मुझे यहाँ पर लगे 8 दिन या 7 दिन, देखें मुझे सिर्फ 1000 का रिचार्ज पास कराने में लग गए। और मैंने उसके बाद ये सोचा अगर मेरे साथ ये काम हो सकता है तो आप लोग तो नए होंगे, नए बंदों को तो बहुत परेशानी होगी, आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि यूट्यूब या किस तरह आप इस पर काम करेंगे। उस वजह से मेरी एक सोच आई क्यों ना मैं अब इसके ऊपर जो है ना वीडियो बनाना शुरू करूँ। मैंने यूट्यूब पर ये जो 5-6 दिन मेरे गुजरे थे ना रिचार्ज पास ना हुआ, इतनी मैंने सर्च की है कि कहीं से मुझे KG वालों की हेल्पलाइन का नंबर मिले, किसी भी यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में जाकर ऐप के मतलब इनके लोगों की हेल्पलाइन का नंबर नहीं दिया था। अब ये मैं कितना शोर होकर कह रहा हूँ इसको भी मैं आपको अब साबित करने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ अब मैंने ये KG कब ज्वाइन की, ये आपको क्लियर हो गया था, ठीक है। अब मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ जो इसके बारे में बनाना शुरू की थी, मैंने कब इसके ऊपर अपना वीडियो बनाना शुरू की थी, अब मैं यहाँ से जाकर दिखाता हूँ आपको। दिया टीवी मैंने सर्च किया, ये आ गया मेरा चैनल, यहाँ से मैं अपने चैनल को ओपन करता हूँ, वीडियोस पर जाता हूँ, यहाँ से सबसे पहले मेरी फर्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी ये इसके ऊपर वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं
इससे पहले मैं किस तरह की वीडियो बनाता था, 3 वीक यानी एक महीना भी मेरा इस चैनल पर नहीं, इस वीडियो पर नहीं हुआ। इससे नीचे आप देख सकते हैं कोई एक चीज़ भी आपको मेरे चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी, यानी आपको मेरे चैनल के ऊपर कोई भी केजी के मुताबिक वीडियो नहीं मिलेगी। अभी 3 वीक हुए थे मुझे इसके ऊपर, एक फर्स्ट टाइम जो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। आप लोगों के जितने भी सवाल थे कि मैं केजी वालों से, मैं उनका क्या लगता हूँ, क्या कहानी है सारी, वो यहाँ से आप मेरे रिचार्ज रिकॉर्ड और मेरे चैनल को सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। कुछ भी चीज़ ना मैंने आप लोगों को जो जितनी चीज़ें बताई हैं, सिर्फ आप लोगों के बाद मैंने केजी ज्वाइन किया, जब ज्वाइन की है सारी रिसर्च करके आप लोगों को बताना इसलिए शुरू किया कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और मैं कोई केजी के साथ मेरा कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर होकर इतनी परेशानी का सामना था। मैंने सोचा आप लोगों के लिए कितनी प्रॉब्लम होगी, आप लोगों को कितनी परेशानी होगी, यहाँ तक कि यूट्यूब पर किसी एक यूट्यूबर ने नंबर तक नहीं दिया होगा। अब मैंने आपको जो वीडियो दिखाई है अपनी, वहाँ सर्च करना, उसकी डेट देख लेना कब मैंने पोस्ट की थी, और उस डेट से पहले किसी एक यूट्यूबर की मुझे वीडियो दिखा देना जिसमें यह बात लिखी हुई हो कि उन्होंने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हो। हेल्पलाइन नंबर सबसे पहले मैंने प्रोवाइड करना शुरू किया। अगर मैं चाहता तो आप लोगों को रेफरेंस का लालच देकर, कुछ भी करके, या आप लोगों से पैसे के लालच मुतालबा करके आप लोगों को वहाँ पर अपने इन लोगों के हेल्पलाइन का नंबर देता, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जनाब जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू की तो आप लोगों ने व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया, आप लोग धड़ाधड़ ज्वाइन होना शुरू हो गए। उसके बाद जब मेरे पास ऑडियंस आना शुरू हुई तो यहाँ से व्हाट्सएप खोलते हैं जनाब, देख सकते हैं आप मेरी चैट की खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने किसी का भी रिकॉर्ड आज तक डिलीट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है काम आ जाता है कभी ना कभी। जी आप लोगों ने मुझसे रब्ते किए हुए हैं, ये सारी डिटेल, हर एक बंदा, मतलब कितने मेरे पास बंदे हैं, हज़ारों की तादाद में जितने भी लोग आए मेरी टीम में, 10 बंदे 9 बंदे वो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी ये सारे हैं। हर एक बंदे को मैंने रिप्लाई किया, हर एक चीज़ खोलकर इन लोगों को गाइड की कि केजी पर मेरा क्या ताल्लुक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हो गई होंगी क्लियर। जो आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाए थे आप उन इल्ज़ाम को और मेरी इस वीडियो का मुआवजा करके देख लें यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है, तो इसका फैसला आप खुद करेंगे। अब मैं केजी के ऊपर वीडियो अब जो बनाना शुरू की है इसकी अपडेट के बाद आप लोगों को मोटिवेशन देना, ये सारी चीज़ें मैं फिर क्यों किस लिए कर रहा हूँ, ये मैंने इसलिए की थी कि मुझे जितनी मुश्किलात और परेशानी का सामना हुआ था, मैं नहीं चाहता था किसी बंदे को और किसी को परेशानी का सामना हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की मदद की, आप लोगों को गाइडलाइन दी, जितना मैं कर सकता था आप लोगों के लिए किया। मैं एक पबजी प्लेयर हूँ, ये आप मेरे साथ देख सकते हैं पबजी, और जितने भी यूट्यूबर यहाँ हैं, जितने भी लोग आप लोग मेरे वीडियो देखने वाले जो पबजी के प्लेयर हैं, उन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा पबजी खेलने वाला दुनिया का हर काम छोड़ सकता है मगर पबजी को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। मगर मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए इस गेम तक को छोड़ दिया, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस गेम को छोड़ दिया और बगैर किसी लालच के आप लोगों को यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की फ्री में प्रोवाइड की, कोई आपसे एक चीज़ का मुतालबा नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो भी आप लोगों से नहीं हुआ। और जी हाँ मैं श्योर हूँ अगर मेरे पास 2000 बंदे आए होंगे हेल्प लेने के लिए, मगर मेरे पास जब से मैंने केजी से वीडियो बनाना शुरू किया सिर्फ और सिर्फ 500 सब्सक्राइबर आए, वो भी आप लोगों के अलावा जो लोग व्यूज़ आते हैं मेरी और वीडियो पर आते हैं उनसे कितने पता नहीं आए होंगे, आप लोगों की तरफ से मुझे 300 या 250 ही सब्सक्राइबर मिले, मगर मैंने मदद कमाई जो की है वो 1000+ बंदे से की है। तो इसलिए किसी के ऊपर इल्ज़ाम न लगाया करें, आप लोगों की कोई हेल्प करे आप उल्टा उसी के ऊपर चढ़ जाते हो कि आप केजी से मिले हुए हो, केजी ने ये कर दिया, केजी ने वो कर दिया, केजी ने जो भी कर दिया वो उसका नतीजा कल पता चल जाएगा। हमें वैसे भी हमने केजी के साथ काम स्कैम नहीं किया कि केजी हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है तमाम की तमाम बातें मेरी श्योर हो गई होंगी कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या कहानी है और एडमिन मुझसे कैसे रबते में करता है, वो तो अपने अपनी किस्मत नसीब की बात है। आप किस अंदाज से एडमिन से रबता करते हैं, आपको क्यों नहीं रिप्लाई करता, वो सारी कहानी उन लोगों को आपको पता होगी, एडमिन को पता होगी, मैं तो जब भी मैसेज करता हूँ मुझे रिप्लाई आ जाता है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि खुदा के लिए इस तरह की बातें ना किया करो, ना मैंने आज तक आप लोगों को रेफरेंस का कहा है, ना मैंने किसी और चीज़ का आपको कहा है। बाकी यूट्यूबर्स के ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको उनका पता नहीं क्या क्या उन लोगों के नखरे होते हैं, वो आपको पूरा पूरा दिन तो इनबॉक्स में रिप्लाई तक नहीं करते, यहाँ पर जो भी आया उसको मदद मिली है बगैर किसी मतलब के मिली है। इस चीज़ को अगर आप मानते हो तो इस वीडियो में अपना कमेंट जरूर देना। और रही बात केजी के वाले से, तो उम्मीद रखो, हौसला रखो, इंशाल्लाह मैंने आपको हमेशा एक उम्मीद दी है, अगर उम्मीद देना ही बंद कर दूंगा तो किस तरह आप अपने आप को मतलब मुतमईन कर सकोगे। रही बात अगर केजी अल्लाह ना करे कल बंद हो जाती है, उससे पहले मैंने आपको अपने आप को क्लियर कर दिया कि आप लोग ये ना सोचना कि मैंने आपको आप लोगों के पैसे इन्वेस्ट कराए, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह केजी बंद नहीं होगी, और अगर केजी बंद ना हुई जो लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे उनको भी मैं यही कहूँगा कि कोई बात नहीं, आपने जो कहना था कह दिया, फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हुई तो मुझसे रब्ता करना, मैं आप लोगों के लिए फिर भी हाज़िर हूँ। बाकी केजी का क्या होगा इंशाल्लाह उम्मीद रखो बेहतर होगा, कुछ भी नहीं होता जहाँ तक मेरा यकीन है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह केजी चलेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर ये पसंद आई हो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।